नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा सिंह। आपराधिक घटनाओं का हब बन चुके सुल्तानपुर जिले में अपराधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस असफल दिखाई पड़ रही है। पिछले 48 घंटों के भीतर बदमाशों ने हत्या और लूट की 3 घटनाओं को अंजाम दिया, मगर पुलिस महकमा तमाशबीन बनकर रह गई है। हौसला बुलंद बदमाशों ने खुलेआम बैंक के अंदर घुसकर तमंचे के बल पर 5 लाख रुपए की डकैती की। बता दें कि 5 बाइक सवारों ने घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देकर वह मौके से फरार हो गए। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह पूरा मामला लंबुआ थाना क्षेत्र के हरिहरपुर बड़ौदा ग्रामीण का है। थाना लंबुआ क्षेत्र में एक बैंक ऑफ बड़ौदा में जो ग्रामीण बैंक की शाखा है, उस बैंक में कुछ लोग बदमाश बैंक में घुसे और तमंचे के बल पे वहाँ बैंक मैनेजर से लगभग 8 लाख रुपए लेकर चले गए हैं। इस घटना की प्रथम सूचना FIR दर्ज की जा रही है और इसमें पुलिस के पास कुछ अच्छे इनपुट्स मिले हैं और जल्द ही घटना की खुलासा किया जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इटावा थाना की GRP पुलिस को मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास से 2 साथी चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के लैपटॉप सहित नगद व चाकू बरामद किया। साथ में चेकिंग के दौरान सूचना पर दो अभी चोरी के पास से चोरी की योजना बना के जिनसे 2 लैपटॉप और ट्रेन में यात्रियों की 2600 रुपये चोरी की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज़।